हमारे यहां शाम को गायें लौट आती थी और जो कोई गाय बिछड़ गई कृष्ण के साथ नहीं लौटी तो ऐसी परेशान भयभीत दुखी होकर के घूमती है भटकती है वन में। वो बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों ने सुना होगा। गाय भटक गई वन में, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो श्री कृष्ण से कह रही है कि अब मैं तुम्हें क्या ढूंढूं, अब तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, अब ढूंढो मुझे गोपाल में खोई जाए, पांच तत्व की ये दे, पांच विकार से हमारी जाए, पांच तत्व की ये दे, बरबस भट की दूर कहीं मैं छजन पाऊं अब के, बरबस भटकी दूर कहीं है चैन पाऊं अब कहीं, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, यह कैसा माया जाल में उलझी गैया, फिर अकेलापन वो लॉनलीनेस खा जाता है। टू बी अलोन इज गुड, लेकिन लॉनली फील करना कोई नहीं है।
तब कृष्ण की याद आती है फिर से। अब रास्ता नहीं मिलता परमात्मा तक पहुंचने का, भटक गई है गाय जंगल में। अब रात उतरने को है और जंगल के हिंसक प्राणी की आवाज सुनाई पड़ रही है। यम काले हैं, रात काली है, यम आने को है, मौत आने को है, भय है उसका। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुर ताल से मुझे पुकार। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुर ताल से मुझे पुकार। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया, अब मुझे उबारो नाथ में खोई गई तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। वो गाय तो बेचारी व्याकुल बनकर भटक रही है, इधर उधर रंभाती है, गोपाल को पुकारती है। सिवाय परमात्मा को पुकारने की और हम कर भी क्या सकते हैं? परमात्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है अब। लेकिन तब उस व्याकुल गैया की पुकार, जो लोग गांव में पले बड़े हैं उनको पता होगा कि जब गोधन लेकर के ग्वारिया वापस लौट आता है और सब गाय अपने अपने घर चली जाती है, और जिसकी गाय नहीं आई वापस, नहीं लौटी, तो वो थोड़ी देर राह देखता है और फिर निकलता है घर से और ग्वारिया के पास जाकर पूछता है, भैया हमारी गाय नहीं लौटी। बोले, नहीं लौटी तो कहां रह गई, वो कहां छूट गई। ग्वारिया कहता है कि वो शाम को 4-4:30 तक तो मैंने देखा है तुम्हारी गैया को, वो कहां छूट गई। तो फिर वो मालिक गाय का और वो ग्वारिया, वो दोनों निकलते हैं। और ग्वारिया को पता है कि जंगल में किस और गया था आज मैं गायों को लेकर के, तो उस तरफ जाते हैं। हाथ में लकड़ी है, लालटेन है, अब रात उतर आई है, गाय कहीं बेचारी भटक गई है, भयभीत भय के मारे दौड़ती है, इधर भागती है, उधर भागती है, उधर भागती है, रास्ता नहीं मिल रहा है। और तब स्वयं ग्वारिया हाथ में लालटेन और लकड़ी लेकर के जो गाय को खोजने के लिए निकला है, स्वयं ढूंढते हुए वो ग्वारिया आता है, गोपाल। और फिर वो आवाज देता है, गंगे, गोपाल की वंशी की ये तान है, मधुर तान से मुझे पुकारो। वंशी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। वंशी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकार।
राधा कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरली मनोहर नाम राधा कृष्ण गोविंद हरि हरे मुरली मनोहर नाम तिहारो मुझे उबारो हे गोपाल मैं खोई गईया तेरे स्वयं श्री कृष्ण स्वयं गोपाल कृपा करके ढूंढता हुआ आवे मधुर वंशी की तान छेड़े हमें पुकारे जैसे वो ग्वारिया पुकारता है गंगी तो जहां भयभीत होकर के गंगी इधर उधर भटक रही है गाय आवाज सुनते ही एकदम रंभाती है और रंभाते हुए वो दौड़ती है भागती है अपने ग्वारिया की ओर बस उसी तरह हम भाग कर मंदिर जाते हैं ठाकुर के शरण में और कोई सहारा नहीं घर लौट आते हो तो शांति का अनुभव करते हो कहते हो होम स्वीट होम रिलैक्स हो जाते हो आराम वही मिलता है घर पर उसी प्रकार तुम संसार में चाहे जितना भटको इंद्रियां चाहे भटके बाहर की दुनिया में चारा चरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय का चारा ये पांचों इंद्रियां चरे लेकिन फिर घर लौट आओ अपने स्व में और ये तुम्हारा स्व ही श्री कृष्ण है